हेलो स्टूडेंट्स, अपना बिल्कुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह राजावत और आज हम देखने वाले हैं हमारी स्टैंडर्ड बुक आरएस अग्रवाल की एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर हमारे को क्या करना है, इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसका मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो आप लोगों के लिए ऑलरेडी बना रखा है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हो। यहाँ हम सॉल्यूशन देखेंगे ओनली। तो देखिए, तो पहला है 1/3, तो उसकी 3 स्टेप्स होती है हमारे को किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने की 3 स्टेप्स है हमारे पास। पहली स्टेप तो यह है कि वो सेक्शन फाइंड करो नंबर लाइन पे, जिस सेक्शन में ये नंबर लाई करेगा। तो देखो 1/3 है, तो यहाँ पे न्यूमिनेटर क्या है, छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये जो नंबर 1/3 है ये क्या होगा, एक से छोटा होगा। और जब नंबर एक से छोटा है और ये पॉजिटिव नंबर है इसलिए जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब ये नंबर क्या करेगा, जीरो और वन के बीच में लाई करेगा। तो हमें क्या करना है, जीरो और यहाँ पे वन बना दिया मैंने, आगे भी चलेगा टू वगैरह और इधर -1 -2 वगैरह। हमें क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर कितना है, यानी कि हम पी बाई क्यू से कंपेयर करें। कोई भी रेशनल नंबर किस टाइप की होती है, पी बाई क्यू, तो ये क्यू है उसके बराबर इसके पार्ट्स कर दो। तो क्यू कितना है यहाँ पे, 3 है। तो हमें क्या करना है, जीरो और एक के बीच में 3 सेक्शंस बना देने हैं क्यू के बराबर। तो एक सेक्शन, 2 सेक्शन और ये 3 सेक्शन हो गया टोटल, ठीक है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, जीरो को 0/3 लिख सकते हैं और इस 1 को क्या लिखा जा सकता है, 3/3 लिखा जा सकता है। और फिर हम यहाँ क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 2/3 और ये 3/3 यानी 1 हो गया। तो हमें क्या करना है, 1/3 को रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा 1/3 रिप्रेजेंट हो गया। आई होप आप लोगों का ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ भी क्या है, देखो न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये जो 2/7 है ये 1 से छोटा आएगा और 0 से बड़ा आएगा। तो ये भी किसके बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में। तो यहां मैं 0 बना देता हूँ, यहाँ 1 बना देता हूँ, आगे भी होगा, इधर नंबर बहुत सारे -1 -2 वगैरह, इधर 1 2 3 4 1। हमें क्या है, सेक्शन फाइंड करना था कि कौन से सेक्शन में आएगा, तो 0 to 1 के बीच में आएगा। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर कितना है यहाँ पे, 7 है, तो हमें इसके 7 पार्ट्स करने हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 पार्ट्स हो गए। तो इस 0 को क्या लिखा जा सकता है, 0/7 और यहाँ 1 को क्या लिखा जा सकता है, 7/7। तो ये क्या बनेगा, 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 और ये हो जाएगा 7/7। तो हमें कितना रिप्रेजेंट करना था, 2/7, तो 2/7 कहाँ होगा, यहाँ होगा। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट करते हैं 1/3/4। तो ये 1 से तो बड़ा होगा और अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है इसलिए ये क्या होगा, 2 से छोटा होगा। तो ये किसके बीच में लाई करेगा, 1/3/4 2 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो हमें क्या करना है, पहले तो यहां पे होगा हमारा कहीं 0, यहां होगा 1, यहां कहीं होगा 2, तो ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा। अब इसको कैसे लिखिए, तो देखो इसको पहले मिक्स्ड से हम क्या कर ले, इम्प्रोपर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 4 1 4 4 और 3 7/4। तब इसको कैसे कन्वर्ट करना है हमारे को, आप ध्यान से देखना, इस 1 को हम क्या बोल सकते हैं, 4/4 बोल सकते हैं, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, 8/4 बोल सकते हैं। 8/4 कितना होगा, मैं नीचे 4 ही क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहां डिनोमिनेटर कितना है, 4 है, तो यहां कितना होगा, इसको क्या लिखा जा सकता है, 4/4। अब हमने क्या करना है, इसके 4 पार्ट्स कर लो, क्योंकि डिनोमिनेटर कितना है, 4 है, तो इसके 4 पार्ट्स कर लिए, 4/4 है, ये कितना होगा, 5/4 होगा, ये होगा 6/4 और ये हो जाएगा 7/4। तो यहां 7/4 जो नंबर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, 1/3/4। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 and 2/5 है, तो ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, ये 2 है, तो इसको कन्वर्ट भी कर लेता हूँ, 5 2 10 और +2 कितना होगा, 12/5, ये होगा 3 और 2 के बीच में। तो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो यहाँ पे 0 कहीं है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 मान लेता हूँ, यहाँ 3 मान लेता हूँ। ध्यान रखना ये इक्वल लेने हैं हमारे को। अभी यहाँ पे क्या है, मुझे ज्यादा नंबर्स पार्टीशन ज्यादा करने हैं इसके, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ, उसको इधर जगह नहीं है इसलिए इसको मैंने सॉर्ट कर दिया। तो यहाँ क्या होगा, डिनोमिनेटर के इक्वल पार्ट्स करने, 1 2 3 4 5 पार्ट्स हो गए टोटल। इसको क्या लिखा जा सकता है, इस 2 को हम लिख सकते हैं 10/5
सॉरी 10/5 कैसा है, हाँ 10/5 लिख सकते हैं। कुछ गलती करी की है क्या हमने? हाँ सही है। और इस 13 को क्या लिख सकते हैं? 15/5 लिखा जा सकता है। तो यहाँ क्या बनेगा? 11/5 ये बन जाएगा, 12/5 ये हो जाएगा, 13/5 ये हो जाएगा, 14/5 और ये बन जाएगा 15/5, 15/5 3 होगा। तो हमें कितना रिप्रेजेंट करना है? 12/5। तो 12/5 कितना होगा? यहाँ होगा। तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है 5 and 5/7। तो 5 और 5 के आगे कुछ है, यानी कि 5 और 6 के बीच में लाई करेगा। तो मैं इधर बाकी के नंबर्स को नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ 5 लिख रहा हूँ और यहाँ 6 लिख रहा हूँ। इस 5 को क्या लिखा जा सकता है भाई? इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 7 5 35 + 4 5 कितना हो गया? 40/7। इसको क्या लिखा जा सकता है? 35/7 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 5 कितना होता है? 7 5 35 होता है, तो यहाँ 5 आ रहा था। अब मैंने यहाँ नीचे 7 ही क्यों लिखा है? इसका कारण है कि हमें यहाँ डिनोमिनेटर में कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। फिर इसको क्या लिखा जा सकता है? 42/7 लिखा जा सकता है, जो कि कितना आएगा? 6 आएगा। फिर यहाँ कितना हो जाएगा? इसके 7 पार्ट्स करने, 1 2 3 4 5 6 और 7 पार्ट हो गए। तो ये होगा 36/7, 37/7, 38/7, 39/7, 40/7, 41/7 और 42/7। हमें कितना रिप्रेजेंट करना था? 40/7 रिप्रेजेंट करना था। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 40/7। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है 4 and something कुछ दिया हुआ है, तो 4 और 5 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ क्या करें? इसको पहले तो मैं मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 3 4 12 12 + 2 कितना हो गया? 14/3। तब यहाँ क्या होगा? यहाँ 4 बना देता हूँ मैं, यहाँ कितना बना देता हूँ? 5। ये 4 और 5 के बीच में होगा। तो इसको क्या लिखा जा सकता है? 4 को 12/3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 4 कितना होता है? 12 होता है। और इसको क्या लिखा जा सकता है? 15/3 लिखा जा सकता है। आपको इस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नीचे 3 आना चाहिए, उसके हिसाब से ये 4 कब बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है? नीचे 3 सेक्शन है, तो हमें क्या करना है? मतलब नीचे डिनोमिनेटर में कितना है? क्यू की जगह पे 3 है, तो 3 सेक्शन करने। फिर ये क्या बनेगा? 13/3, ये बनेगा 14/3 और ये वाला बन जाएगा 15/3। तो हमारे को 14/3 को रिप्रेजेंट करना था, तो ये क्या हो गया? 14/3। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। लास्ट 8 है, इसको आप डायरेक्ट ही कर सकते हो। तो यहाँ क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और आगे 9 भी होगा। तो हमें तो 8 को रिप्रेजेंट करना है, तो 8 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पे क्या बना दिया हमने? डॉट बना दिया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।